तो मैनचेस्टर के ओवल से बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ टीम इंडिया का मुकाबला जारी है। टीम इंडिया का स्कोर 305 रन पर 4 विकेट है अब तक। बारिश के चलते ये खेल अभी फिलहाल रुका हुआ है। 46.4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तो टीम इंडिया की महामुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। टीम इंडिया के ओपनर्स ने आज शानदार बल्लेबाजी की है। दोनों ओपनर्स ने खूब रन जमाया है। शतकीय साझेदारी केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच रोहित शर्मा ने शानदार शतक भी जड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने 140 रन बनाए 113 गेंदों पर। तो रोहित शर्मा ने मौजूदा टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक पूरा किया है। वहीं वनडे करियर का उन्होंने अपना 24वां शतक जमाया है। इसी के साथ केएल राहुल धवन की जगह है, उनको ओपनिंग का जिम्मा मिला था। रोहित के साथ पारी को आगे बढ़ाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उस पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। केएल राहुल ने शुरुआत में थोड़ी सी धीमी शुरुआत उनकी जरूर रही, लेकिन जिस तरह से पारी को संभालने की जरूरत थी शुरुआत में, जो 10 से 12 ओवर जहां बहुत क्रूशियल रहते हैं और टीम को संभालने की जरूरत रहती है, विकेट ना खोकर आगे बढ़ने की जरूरत रहती है, वही काम केएल राहुल ने किया है। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 57 रन बनाए। वहीं विराट कोहली नॉट आउट हैं अभी भी, 71 रन बनाकर कप्तान विराट कोहली, कप्तानी भरी पारी उन्होंने खेली है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या 26 रन बनाकर आउट हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं विजय शंकर फिलहाल कोहली के साथ क्रीज पर अभी नॉट आउट है। और फिलहाल बारिश के चलते ये जो महामुकाबला है वो रुका हुआ है। चलिए एक नज़र टीम इंडिया के बैटिंग कार्ड पर देख लेते हैं, बल्लेबाजों का प्रदर्शन देख लेते हैं कि किस तरह से अभी तक जो मुकाबला हुआ है उसमें भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन किस तरह से रहा है। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 140 रन की पारी खेली 113 गेंदों में। उनके बल्ले से 14 चौके और 3 सिक्स निकले। स्ट्राइक रेट उनका 123.89। तो रोहित शर्मा ने शानदार शतक गिराया है। मौजूदा टूर्नामेंट में उनका ये दूसरा शतक है। केएल राहुल की बात करें तो 57 रन 78 गेंदों में, 3 चौके 2 सिक्स, स्ट्राइक रेट 73.07। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ने 136 रन की दोनों के बीच साझेदारी हुई थी। हालांकि 8 तक लगाने के बाद वहां ब्याज का शिकार हुए केएल राहुल। विराट कोहली की बात करें तो अभी नॉट आउट हैं 71 रन बनाकर। बारिश के चलते जब खेल रुका तो उस समय 71 रन के स्कोर पर थे विराट कोहली और 62 गेंदों पर उन्होंने सामना किया है। तो कप्तानी भरी पारी इसको कहेंगे। इस बड़े मुकाबले में जो प्रेशर मुकाबला रहता है उसमें शानदार खेल दिखाया है कप्तान विराट कोहली ने। हार्दिक पांड्या की बात करें तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके बाद तेजी से रन बनाने की हार्दिक पांड्या को भेजा गया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन 19 गेंदों पर 26 रन की उन्होंने पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 सिक्स उनके बल्ले से निकला। स्ट्राइक रेट 136.84। हालांकि जो पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली के बाद जो पूरी पारी को जिस तरह से जो कप्तान कप्तान ना होते हुए भी जो पूरा फील्ड और जो पूरा मैच है किस तरह से रखना है उसमें पूरा जो है पूरे जो विचार है वो सब उसमें महेंद्र सिंह धोनी के रहते हैं। हालांकि इस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, उनको मोहम्मद आमिर ने शिकार बनाया अपना। वहीं विजय शंकर 3 रन बनाकर अभी नॉट आउट हैं और जब बारिश के चलते फिलहाल अभी खेल रुका हुआ है। तो कुछ इस तरह से है भाई। पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के गेंदबाजों में मोहम्मद आमिर 8 ओवर 34 रन 2 विकेट उन्होंने झटके हैं। तो शुरुआत में इन्होंने जिस तरह की कसरी गेंदबाजी की और भारतीय ओपनर्स ने इनको जिस तरह से खेला है काबिले तारीफ है, क्योंकि शुरुआत में विकेट बचाकर रखने की ज़रूरत थी और वैसा ही काम किया भारतीय बल्लेबाजों ने केएल राहुल और रोहित शर्मा ने। शुरुआत के जो ओवर थे मोहम्मद आमिर के अच्छे से निकाले। उसके बाद हसन अली की बात करें तो हसन अली ने 9 ओवर में 84 रन देकर 1 विकेट झटका। हसन अली ने रोहित शर्मा को आउट किया। रोहित शर्मा को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। एकमात्र ये शुरुआत में जो मौका आया जब पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा खुश होने का हसन अली ने मौका दिया। वहीं बहाव्याज के प्रदर्शन की बात करें तो 8.4 ओवर में 53 रन देकर उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है। इन्होंने केएल राहुल को जो है पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं इमाद वसीम 10 ओवर में 49 रन देकर कोई इनके हाथ सफलता नहीं लगी है। शादाब खान ने 9 ओवर में 61 रन। तो ये जो है भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तान की गेंदबाजों का पूरा कार्ड है। और फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि बारिश के चलते ये महामुकाबला रुका हुआ है। 305 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। 46.4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, चलिए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट कोच मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अमिताभ वर्मा जी, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। वहीं साथ ही न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं कपिल भार्गव।
मनीष जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज जिस तरह से अब तक टीम इंडिया ने जो शानदार तरीके से बल्लेबाजी की है, किस तरह से लग रहा है? अभी फिलहाल बारिश के चलते खेल रुका हुआ है, उम्मीद ऐसी नहीं है कि भारतीय टीम फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान में आएगी, तो कुछ ओवर में कटौती होगी अगर जल्दी बारिश रुक जाती है। तो क्या लगता है आप किस तरह से इस मैच को देख रहे हैं, इस महामुकाबले को? जैसा हम शुरू से कह रहे थे कि अगर पहले बैटिंग करके और पहले शुरू के 10 ओवर या 12 ओवर संभल के खेल के आप 10 ओवरों में 50 रन या 60 रन विदाउट लॉस बनाते हैं, तो आपकी टीम 300 प्लस का जो हम लोग टारगेट सारी पैनलिस्ट ने शायद सजेस्ट किया था कि 300 प्लस ही जाएंगे, तो उतना ही करीब जा रहा है और अभी 3.5 ओवर का खेल बचा हुआ है। और जहां तक आपने सवाल किया कि शायद कुछ ओवर कर्टेल किए जाएंगे, तो अभी वेदर कंडीशंस क्या हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, पर अगर बारिश रुक जाती है अभी इस कंडीशंस में तो 3 ओवर का खेल हो सकता है और जो बीच का जो ब्रेकिंग ब्रेक टाइम होता है वो टाइम कर्टेल करके ये ओवर्स पूरे कराए जा सकते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है कि जब पूरे ओवर्स करा दिए जाएं और वो टाइम कर्टेल कर दिया जाए जो टीम के इनिंग्स चेंज ओवर का जो रहता है। तो अभी तक जो मैच हुआ है उस हिसाब से तो भारत की टीम जो है अपर हैंड रही है, और जो हम लोगों का अनुमान था कि 325-330 का स्कोर आराम से पूरा होना चाहिए। अमिताभ जी, जिस तरह से लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल में डालेंगे शुरुआत में, अगर विकेट निकाल लेते हैं तो पाकिस्तान हावी हो जाएगी, जैसे कि जो मुकाबले रहे हैं शुरुआत में देखा है पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है काफी घातक है, मोहम्मद आमिर और हसन अली वहाब रियाज, जो इनका जो पेस अटैक है काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खासकर जो है रोहित शर्मा और केएल राहुल, जो इनको जो मौका मिला, जो जिम्मेदारी थी केएल राहुल के पास रोहित शर्मा के साथ खेल को आगे बढ़ाने की, जो बाखूबी किया, तो केएल राहुल रोहित की बल्लेबाजी की तो हम बात करेंगे ही, केएल राहुल को लेकर के आप क्या कहेंगे? केएल राहुल के लिए कोई ये नई जिम्मेदारी नहीं थी, वो इनिंग की शुरुआत कई पहले भी कर चुके हैं, और जब चोटिल हुए शिखर धवन तो मेंटल प्रिपरेशन उस खिलाड़ी की इस हिसाब से हो गई थी उसको इनिंग ओपन करनी है जी। और केएल राहुल ने जिस तरह से रोहित शर्मा का साथ दिया, क्रिकेट एक खेल होता है पार्टनरशिप का, जब देखे थे रोहित शर्मा अच्छे शॉट लगा रहे हैं, अच्छी लय में दिख रहे हैं, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि विकेट ना गिरें। कई बार क्या होता है, एक खिलाड़ी बहुत लय में होता है लेकिन दूसरे एंड से जब विकेट गिरते हैं तो खिलाड़ी की लय बिगड़ जाती है, तो एक निसंदेह केएल राहुल की जो इनिंग है ये इसकी भी बहुत वैल्यू है। ओपनिंग स्टैंड 136 रन का देना ये नींव रख देता है बड़े स्कोर की। और जैसा हमने मैच के प्रीव्यू में शुरू में बोला था कि पहले 10 ओवर में अगर भारतीय टीम विकेट लॉस नहीं करती है तो एक बड़ा स्कोर बनाएगी 330-325 की जी। तो उसी जैसे जिस तरह से हम मैच की स्क्रिप्ट लिख देते हैं उस तरह से वो पूरा मैच चला, वैसे स्कोर खड़ा हुआ, और जितना इम्पोर्टेंट इनिंग रोहित शर्मा की थी उतनी ही इम्पोर्टेंट इनिंग ये केएल राहुल की थी। क्रिकेट इज द गेम ऑफ पार्टनरशिप जी। कपिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी तक जिस तरह से ये मुकाबला पूरा रहा है, फिलहाल बारिश के चलते मुकाबला रुका हुआ है, अभी की क्या कंडीशन है, अभी भी क्या बारिश हो रही है या रुक गई है, और किस तरह से अब आप इस तरह का जो ओवर में कटौती होगी, क्या भारतीय टीम जो बचे हुए ओवर है उसमें बल्लेबाजी के लिए आएगी, या फिर पाकिस्तान की टीम जब बारिश रुकती है तो हम उसको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे? अभी तो फिलहाल शोभित बारिश नहीं रुकी हुई है, बारिश हो रही है वहां पर, और देखना ये होगा कि कब बारिश रुकती है, कब भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं, पर ये तो तय है कि जो 20 गेंदें बची है उसमें भारत 40 से 50 रन बनाने। देखिए अभी कपिल, एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर ये आ रही है कि बारिश थम गई है और मैदान से कवर हटाए जा रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि कुछ समय बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और विजय शंकर जो नॉट आउट हैं वो थोड़ी देर बाद फिर से क्रीज पर आएंगे, और जहां खेल रुका हुआ है 46.4 ओवर से उसके बाद से ही इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। शोभित, जैसा आपने बताया कि अभी बारिश रुक गई है, कवर्स हटाए जा रहे हैं क्रीज से, तो अभी 20 गेंदे बची है तकरीबन, तो उसमें अगर 40 से 50 रन भारतीय टीम बनाती है तो काफी अच्छा स्कोर होगा। अगर हम हमारे बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बहुत ही सदी हुई शुरुआत की,
बहुत केएल राहुल ने पहला ओवर मेड इन गया था, पर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी इनिंग की रफ्तार को बढ़ाया, तो काफी सदी हुई शुरुआत उन्होंने 10 ओवर शुरुआत में खेले। उसके बाद रोहित शर्मा ने काफी शानदार बल्लेबाजी की, अपना कम गेंदों में शतक पूरा किया। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा की शानदार पारी रही। उसके बाद विराट ने बहुत शानदार बैटिंग करी, 71 रन की पारी वो खेल रहे हैं, अभी क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना होगा विजय शंकर किस तरीके से विराट कोहली का साथ देते हैं। शोभित अमिताभ जी, विराट कोहली कप्तानी वाली पारी खेल रहे हैं और आज कोहली ने अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने जो है 284 मैचेस में 11,000 रन पूरे किए थे, वहीं विराट कोहली ने ये 230 मैच खेलकर ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। तो इस खिलाड़ी लगातार ये खिलाड़ी कीर्तिमान पे कीर्तिमान रचे जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आखिर ये जो विराट कोहली है, इसका विराट प्रदर्शन अगर यूं ही जारी रहा तो आप इस खिलाड़ी को किस तरह से देखते हैं? विराट कोहली ने जिस तरह से अपने आप को ढाला है, जिस तरह से हमने अपने हाई बेंचमार्क अपने लिए खुद स्थापित किए हैं और जो जिस हिसाब से उनकी वर्क एथिक्स है क्रिकेट को लेकर, मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में लगभग बैटिंग के सभी कीर्तिमान खतरे में होंगे। और विराट कोहली की सबसे विशेष बात यह है कि गेम को समझना, रीड करना बहुत आसान था कि 126-136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई है, आपको आप वन डाउन और कॉम्प्लेसेंट हो जाओ। उन्होंने बहुत ही समझदारी से स्ट्राइक को रोटेट किया, पहले रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करी, फिर हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करी। तो ये 71 रन की इनिंग जो है ये विराट कोहली के टेम्परामेंट के बारे में, मैच को और क्रिकेट को समझ जो उनकी है वो बहुत ही अलग दर्जे की है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली जिस ढंग से चल रहे हैं उसी ढंग से अगर अगले 5-6 साल में चलते रहे, अभी युवा भी है, 30 वर्षीय है वो और बहुत फिट है, तो मुझे लगता है बैटिंग के लगभग सारे कीर्तिमान वो अपने नाम कर लेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई विराट कोहली की। मनीष जी, रोहित शर्मा, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में पहले मुकाबले से टच में है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक लगाते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल जाता है। वहीं जब पाकिस्तान जो महामुकाबला है जिसको प्रेशर मैच भी कहा जाता है, उस मुकाबले में पहली गेंद से टच में रहे, 85 गेंदों पर उन्होंने शतक लगा दिया। जिस अंदाज में खेलते हैं उन्होंने अपने दिमाग में शायद ये बात हटा दी और इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली वो किसके खिलाफ खेल रहे हैं, कितना बड़ा मुकाबला है, किस तरह का प्रेशर है, उन्होंने सब दिमाग से निकाल दिया। उसी अंदाज में अपने रंग में खेले रोहित शर्मा। ये खिलाड़ी लगातार अपने आप को जो है निखारता चला जा रहा है। क्या लगता है कि अब जो मौजूदा टूर्नामेंट है उसमें ये खिलाड़ी और किस तरह का रंग जमाने वाला है? देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि किसी भी टीम में कोई भी कप्तान अपनी कप्तानी में उसको खिलाना चाहेगा। इसका खड़ा होना मतलब आपकी टीम की सफलता का एक सिग्नेचर कह सकते हैं आप। ये आदमी अगर खड़ा हो गया तो ये आपको 100-150 से भी कम या 200 से नीचे रुकने वाला नहीं है। आज भी वो अपनी गलत शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से आउट हुआ, नहीं तो आपको ये चौथा डबल 100 वनडे का देखने मिलता। और सबसे अच्छी बात इस बैट्समैन की ये है कि ये कोई भी एरी फेरी शॉट्स नहीं खेलते हैं, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन बनाते हैं और इतना इजीली रन बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो हिट कर रहे हैं बॉल को। उनका नाम हिटमैन जरूर रखा गया है लेकिन वो जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर जो, और सचिन का कहना ही यही है कि जब एक उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है भविष्य में, तो उनने दो नाम लिए थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और सचिन का जो प्रेडिक्शन था वो 100% सही साबित होने जा रहा है कि विराट कोहली सचिन के रिकॉर्ड की तरफ पहुंचते जा रहे हैं करीब, और रोहित शर्मा जो बड़े स्कोर लगाते जा रहे हैं वनडे क्रिकेट में, हाँ टेस्ट मैचेस में जरूर थोड़ी सी अभी उनके साथ कंसिस्टेंसी की समस्या है, लेकिन वनडे में जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, अगर शुरू के वो 5-10 ओवर के अंदर, 2-4 ओवर के अगर अंदर उनको आउट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। और ये प्लेयर जो है आगे रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में आपको ये, और मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका से मैच अभी होना बचा है, तो मेरे को लगता है इस वर्ल्ड कप में एक आपको वर्ल्ड कप का पहला डबल 100 देखने जरूर मिल जाएगा। अमिताभ जी, अभी बारिश के चलते खेल जो रुका, तो बारिश
जब खेल रुका उससे पहले पूरी तरह से जो है खेल भारत के नाम रहा, टीम इंडिया के नाम रहा। अब बारिश के बाद क्या कुछ मोमेंटम चेंज हो सकता है या खेल जो है ये बदल सकता है? अब सबको डिपेंड करेगा कि कितने ओवर्स का मैच होता है जी। अगर ये बारिश का जो व्यवधान है वो लंबा चलता है तो खेल कुछ चेंज होगा, लेकिन भारत अपना काम कर चुका है। अगर डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार संशोधित रन रेट भी आता है तो पाकिस्तान के सामने कठिन चुनौती होगी, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें जी, स्पिनर्स का रोल, विकेट ड्राई है, इमाद वसीम ने जो जो बॉल टप्पे फेंकी तो वो एकदम बैट के सामने से घूमा है जी। और जो फास्ट बॉलर्स हैं विकेट लिए हैं, वहाब रियाज ने जो केएल राहुल को आउट किया वो बॉल भी विकेट से फंस के आया जी। तो जहां ड्राई विकेट होते हैं वहां स्पिनर्स की भूमिका बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, लेकिन विकेट में कहीं ना कहीं ग्रिप है, विकेट ड्राई है, तो ड्राई विकेट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय स्पिनर्स का पल्ला भारी रहेगा जी। कपिल, जिस तरह से जो है अब तक जो भारतीय बल्लेबाजी रही और जो पाकिस्तान की गेंदबाजी रही उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था एक थोड़ा सा हवा सा बना रहता है कि जब आमिर और वहाब रियाज गेंदबाजी करते हैं तो लगता है कि कहीं विकेट ना ले ले और कहीं बैकफुट में ना चले जाएं। तो जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने इनको अच्छे से खेला शुरुआत में, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी को आगे ले गए धीमे धीमे करते हुए, और फिर तेजी से जब 12 से 15 ओवर का खेल हो गया उसका तेजी से रन बनाए, तो इन दो गेंदबाजों को बहुत अच्छे से खेला। अब जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर होगी तो क्या लगता है कि पाकिस्तान भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएगी या कुछ अलग तरीके से उसका खेल रहेगा? शोभित, देखिए मोहम्मद आमिर के अलावा ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जिसने बहुत शानदार गेंदबाजी की। मोहम्मद आमिर ने अपनी गेंद को मूव भी करा और साथ ही साथ दो विकेट झटके। तो मोहम्मद आमिर ही ऐसे गेंदबाज मुझे लगे कि जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो बिल्कुल कुलदीप यादव और चहल ये दोनों जो हमारे गेंदबाज हैं स्पिनर्स हैं वो इस कंडीशन का जरूर फायदा उठाएंगे। और मुझे लगता है कि हमेशा से पाकिस्तान जब भी रन चेस करते आया है तो वो उसको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अधिकतर मैच पहले बल्लेबाजी करके ही जीती है वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए, पाकिस्तान के लिए काफी मुसीबत होने वाली है। हाँ, उनका इमाम हुलक अच्छे फॉर्म में है तो मुझे लग रहा है कि बुमराह उन्हें सेट नहीं होने देंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 10 ओवर के अंदर अंदर पाकिस्तान के 3 विकेट बुमराह जरूर डेफिनेटली लेंगे। चलिए बिल्कुल मनीष जी, तकरीबन मतलब भारतीय जो पारी का खेल है वो तकरीबन बल्लेबाजी में पूरा हो चुका है। अब पाकिस्तान जब बल्लेबाजी के लिए आएगी, जब बारिश, उम्मीद है कि खेल जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि बारिश रुकी हुई है, कवर्स हट चुके हैं, तो जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी तो क्या लगता है कि बारिश के बाद जो हमारे स्पिनर्स हैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, तो उनकी गेंदबाजी में वो उस तरह की जो लय रहेगी अगर जो बारिश अगर नहीं होती? देखिए बारिश के बाद जो विकेट कंडीशंस हैं, जैसे अमिताभ ने बताया अभी कि विकेट ड्राई है और हमारे स्पिनर्स को जो कि उनके जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे जो बॉल सामने से बैट के सामने से काफ़ी घूम रहा था जी। तो हमारे जो स्पिनर हैं, कुलदीप यादव तो टीम में इस बार है नहीं, लेकिन चहल हैं जो रिस्क स्पिनर हैं और उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, और उनका बॉल वो है आपका केदार जाधव है उनके साथ देंगे, और तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में। और मीडियम पेसर जो हैं उसमें बुमराह हुए और भुवनेश्वर, ये पाकिस्तानी बैट्समैनों को इतना ईजी रन बनाने नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो टारगेट अब सेट कर दिया है 305 रन आप बना चुके हैं। अगर 3.5 ओवर का मैच अगर आगे होता है तो अगर गिरी हालत में आप 25 से 30 रन भी अगर आप ऐड करते हैं तो आप 335 रन तक चले जाते हैं। तो 335 का टारगेट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो भी इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान काफ़ी प्रेशर में बैटिंग करने आएंगे उनके बैट्समैन, और शुरू के उनके ऑलरेडी बैट्समैन जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल हैं, कभी रन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है जी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की टीम को परेशानी होनी चाहिए इनको आउट करने में।
अमिताभ जी दिलचस्प बात बताऊं कि जिस तरह से आज तक ये मुकाबला हुआ है और रोहित शर्मा ने जिस तरह से पारी खेली है, तो सोशल मीडिया पर जो है अब जो पाकिस्तानी गेंदबाजों की थोड़ी सी फिरकी ली जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब रोहित शर्मा मैदान पर थे और बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको रोहित शर्मा में अभिनंदन दिखाई दे रहे थे। एक मिनट, हसन का तो एनालिसिस 100 करने वाले, एक ओवर बचा है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के कप्तान उनको एक ओवर लेकर उनकी 100 कराएंगे जी बिल्कुल। पर हसन कुछ भी करें शायद रोहित शर्मा रिकॉर्ड ना तोड़ पाए क्योंकि 50 रन शायद एक ओवर में ना दे हो, तो ये तो रही बात। लेकिन हाँ, तो खिलाड़ी हैं जो मैचेस होते हैं जी, मैचेस में ऑल स्पाई सेट करते हैं दर्शक, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, टीवी में ऐड आ रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो ग्राउंड के अंदर कम और ग्राउंड के बाहर ज़्यादा खेला जाता है जी। सीख ही लोग जो स्टेडियम में चलती है, हंसी मजाक चलते हैं, तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक हिस्ट्री है आज़ादी के बाद से, तो उसके कारण अलग अलग मूड क्रिएट होते हैं, एक एक सोशल मीडिया वॉर चलती है। तो जिस हिसाब से आपने बताया कि अभिनंदन का जो के रूप में रोहित शर्मा को दिखाया जा रहा है जी, तो अभी लेटेस्ट वॉर हीरो अभिनंदन है, तो जो भी भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वो अभिनंदन का स्वरूप होगा। और अलग अलग ढंग से बहुत ही मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं जो वक्त वक्त हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, लोग अपने अपने ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं जी। मनीष जी, एक सवाल ये है कि आज जब रोहित शर्मा ने जो छक्का सिक्स मारा, आपने देखा होगा हसन की गेंद पर, तो 2003 में जो सचिन तेंदुलकर ने सिक्स मारा था शोएब अख्तर की गेंद पर, उसकी एकदम याद दिला दी, और रोहित माफी जी रवींद्र जडेजा ने इस चीज को मेंशन भी किया है, ट्वीट भी किया है उन्होंने उसको लेकर के। रोहित ने जो छक्का मारा है उसको देख के मुझे याद ताजा कर दी सचिन, बिल्कुल सचिन की याद ताजा कर दी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में पुरानी यादों को लेके काफी चला जाता है, और उस समय दिलचस्प बात यह है कि कमेंट्री भी जो है सचिन तेंदुलकर कमेंट्री कर रहे थे और उस बात पे डिस्कशन भी हुआ था। तो ये सब एक जो बड़ा ही अच्छा कहना चाहिए वाकयात हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के दौरान होते हैं, इसमें कभी थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, कभी थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में भी ले जाते हैं, तो यही तो एक खेल की खूबसूरती है, और इसको इसी तरह मेंटेन करा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है जी। कपिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए न्यूज रूम से, कपिल ताजा अपडेट क्या है, क्या लग रहा है कि मुकाबला कितनी देर में शुरू हो जाएगा? बिल्कुल शोभित, बहुत जल्द मुकाबला शुरू होने वाला है और हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय टीम मैदान में होगी, जितने भी बची गेंदे हैं वो मतलब ये हमको अभी टीम इंडिया की जो बाकी बल्लेबाजी है तकरीबन 3.5 ओवर का खेल जो रह गया है भारतीय बल्लेबाजी का वो देखने को मिलेगा पूरा। बिल्कुल शोभित, 20 गेंदें जो बची हुई है भारतीय टीम खेलेगी, और जो विराट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमें आगे देखने को मिलेगा कि और अच्छे शॉट्स मिलेंगे विराट की तरफ से देखने को, और विजय शंकर किस तरीके से तो जिस तरह से जिस अंदाज में विराट कोहली अब तक खेले है, क्या लग रहा है कि इस महामुकाबले में उनका भी शतक हो जाएगा रोहित के बाद? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि जो 20 गेंदे बची है उसमें विराट जरूर शतक अपना बनाएंगे जी। तो अब देखना है कि जो कंडीशंस हैं बारिश के बाद, जो रिदम होता है पिच पर, जो अभी रिदम टूटा है उनका, तो वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्या शतक बन पाता है कि नहीं, ये देखना होगा। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली अब तक जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है मैदान पर, जब क्रीज पर वापस बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो वो अपना शतक पूरा करेंगे, या फिर उनकी यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है टीम इंडिया के रनों में इजाफा किया जाए? विराट कोहली का जो रवैया है क्रिकेट को लेकर, मुझे लगता है कि शतक कहीं उनके दिमाग में दूर दूर तक भी होगा। अगर खेल दोबारा शुरू होता है तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम रन जो हैं वो भारत के खाते में जुड़ें। विराट कोहली को हमने पहले भी देखा है कि वो कभी पर्सनल माइलस्टोन की तरफ बहुत ज़्यादा भागते नहीं हैं, वो अपना खेल या टीम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए आज वो इस मुकाम पे हैं। अगर भारत 13 रन बनाता है और भारत अगर बैटिंग करता है, शतक हो जाए तो सोने पर सुहागा, नहीं तो अगर दूसरे एंड से भी रन बनते हैं तो विराट कोहली संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये रन जुड़ रहे हैं भारत के खाते में, व्यक्ति से पहले देश। और विकेट इंटैक्ट करना भी मेरे ख्याल से अमिताभ जी एक इंपॉर्टेंट इशू रहेगा, क्योंकि आगे जाके विकेट काफी नहीं, तो क्या लग रहा है भारतीय टीम को अगर वापस बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो इन 20 गेंदों में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली अभी हैं
क्रीज पर, और उनके साथ विजय शंकर है जो उनकी क्षमता है वो तेजी से रन बना सकते हैं। तो क्या लगता है उन 20 गेंदों में अगर भारतीय बल्लेबाजी भारतीय टीम को वापस बल्लेबाजी का मौका मिलता है इस मुकाबले में, तो उन 20 गेंदों में कितने रन बन सकते हैं? इस हिसाब से आजकल फटाफट क्रिकेट है, टी ट्वेंटी खेलने में अभ्यस्त दोनों खिलाड़ी हैं। विजय शंकर टीम में आए इसीलिए क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं। इन 20 बॉलों में अगर 10 बॉलें भी आदमी की मिडिल होती है बैट से, तो 40 रन आराम से टीम जोड़ सकती है। भारतीय टीम चाहेगी अधिकतम रन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो मैच सिचुएशन है कि 35 से 40 रन कम से कम भारतीय टीम जोड़े। जी मनीष जी, अमिताभ जी, जो मुकाबले को शुरू होने से पहले जो हमने डिस्कशन किया था, जो आपने कहा था कि स्कोर जो है 320-25 के आसपास रहेगा, तो ये स्कोर तकरीबन वहीं और उससे कुछ ज़्यादा आगे ही दिख रहा है। तो अब जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर होगी, तो सबसे पहले भारतीय गेंदबाजों का क्या फोकस रहेगा और कौन सा जो प्लेयर है वो उनके टारगेट में रहेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है? मनीष, क्योंकि अब जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आएगी और आप 300 के ऊपर का टारगेट चेस करने जब आप जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर बैटिंग सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पर रहता है, और खासकर वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो और भारतीय टीम का या भारतीय बॉलरों का जो फोकस होगा कि शुरू के ओवर्स में जितनी जल्द ज़्यादा विकेट्स वो निकाल सकते हैं निकालें। अगर 2 या 3 विकेट भी 10 ओवर के अंदर निकाल लिए शुरू के, अगर 10 ओवर के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि जो मैच है वो 250 के ऊपर भी जा पाएगा अगर पूरा मैच होता है तो। तो मेरा सोचना ये है कि पूरा मैच होता है और विकेट अगर शुरू के ओवर्स में 10 ओवर में अगर 3 विकेट पे 50 रन अगर पाकिस्तान करता है, तो इन एंड जाके मेरे ख्याल से 260-270 के आसपास पाकिस्तान की टीम को भारत रोक लेगी। जी अमिताभ जी, स्कोर टीम इंडिया का 300 के पार जा चुका है, तो काफ़ी बड़ा स्कोर है और दूसरी बार वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 300 के पार गया है, तो क्या लगता है कि कितना अब 300 के पार स्कोर जो स्कोर चेज करना होगा तो कितना मुश्किल है, और अगर इस स्कोर के नज़दीक भी जाना है या मुकाबले को जीतना है तो कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के जिनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, या कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिनमें क्षमता है कि वो पाकिस्तान को जीत दिलाएं? पहली बात तो जब वही विकेट है वही ग्राउंड है, लेकिन जब हम रन चेस करते हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। एक बड़ा स्कोर जब बड़े मैच में टंग जाता है स्कोर बोर्ड पर तो उसका दबाव होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीम को बहुत ही अच्छी शुरुआत मिले। 4-5 ओवर भी अगर सामने वाली टीम अच्छी फेंक देती है भारतीय टीम, तो पाकिस्तान के ऊपर जो रन रेट का दबाव हो जाएगा जी, उस दबाव के आगे विकेट गिरने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि बाबर आजम से बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बाबर आजम को काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो जो सीनियर प्रोज हैं, सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनसे भी उम्मीद होगी। हफीज हैं, शोएब मलिक हैं, ये काफ़ी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और 37 साल 38 साल 38 साल की इनकी उम्र हो गई है, तो इनसे भी उम्मीद होगी कि सीनियर क्रिकेटर्स मिडिल ओवर्स में रन करें। चलिए बिल्कुल, चलिए थोड़ा समय की कमी है तो फिलहाल जो है मुकाबला रुका हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यही है कि बारिश नहीं हो रही है, कवर्स हटे हुए हैं और मुकाबला अब से कुछ समय बाद शुरू हो सकता है। और बड़ी खबर ये है कि बल्लेबाज जो है और भारतीय जो बल्लेबाज है विराट कोहली और विजय शंकर वापस मैदान में आ चुके हैं, तो बस अब से कुछ ही सेकंड्स में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, फिर से भारतीय बल्लेबाज एक्शन में होंगे और पाकिस्तान की गेंदबाजों का सामना करेंगे। अब देखते हैं कि 20 गेंदों में भारतीय बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं और जो टोटल है जो क्या टारगेट उनके सामने सेट करते हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।